हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो 12th क्लास पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करूंगा 12th क्लास पास स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं अभी राजस्थान के अंदर या इंडिया लेवल पर जो वैकेंसी आई हुई हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो प्लस टू है। साथ ही अभी जो 12th क्लास पास स्टूडेंट है उनका एडमिशन हो चुका है कॉलेज में, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अभी उनकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर पेशेंस बना के आपको वीडियो देखनी है, जिससे मैं सारी चीजें बता दूं आपको। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि आप सभी ने 12th पास कर ली होगी, काफी अपनी अपनी स्ट्रीम के अंदर काफी अच्छी अच्छी परसेंटेज से, किसी की 70 बनी होगी, 80 बनी होगी, 90 बनी होगी, 90 प्लस भी काफी स्टूडेंट्स की बनती है। और आप सभी ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, सभी स्ट्रीम्स के अंदर सभी कॉलेजों में आपने एडमिशन ले लिया होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हुआ है, जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन की है। अब आप ग्रेजुएशन तो करोगे, जैसे किसी ने बीएससी में ज्वाइन किया है, किसी ने बीए में, किसी ने बीकॉम में, और भी काफी सारी कोर्सेज जो जिनमें आपने ज्वाइन किया है। इसके अलावा अभी राजस्थान के अंदर और इंडिया लेवल पे काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप उनके लिए एलिजिबल हो तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर जो मैं दो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज की बात करने वाला हूँ जिनके लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि उसमें सिर्फ 10th क्लास और 12th क्लास मांगा है, उसके लिए जो आपकी एज है वो होनी चाहिए 18 प्लस। अगर आप 18 हैं यानी आप 18 साल के हो चुके हो तो आप उन वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप आवेदन भर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं, और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। तो एक तो एक तरफ आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया है। दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर दो वैकेंसीज की बात कर रहा हूं। पहली इंपॉर्टेंट है यहां पर जो नेशनल लेवल पर है, और वो वैकेंसी है CHSL SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो वैकेंसी है जो अभी अभी निकली है। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी है 12th पास। अगर आप 12th पास हो तो SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो यहां पर कॉम्बाइंड हायर ग्रेजुएशन लेवल जो है यानी 10 प्लस 2 की जो वैकेंसी है उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहां पर एज लिमिट वही है, मिनिमम आपकी 18 होना चाहिए। अगर आप 18 हो या 18 प्लस हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, छूट भी मिलती है कैटेगरी वाइज, लेकिन अभी तो आप 18 साल के ही होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल पेपर होता है, पेपर का पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर पैटर्न ऐसा होगा कि आपके रिटर्न पेपर भी होगा, उसके बाद में आपके दो पेपर होंगे, दो फेज होंगे आपके, वैसे तो तीन फेज होते हैं। पहला फेज आपका जो है रिटर्न पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके MCQs आएंगे। उसके अलावा जो आपका सेकंड जो पार्ट होगा इस एग्जाम का वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, और जो थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। अगर ये तीनों फेज आप क्लियर कर जाते हो तो आप एक शानदार जॉब लगने के पूरे मतलब हकदार हो जाओगे, एक बहुत शानदार जॉब लग जाओगे, वो भी नेशनल लेवल पर। आप एक LDC DEO और आपके जो यहाँ पर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे लग जाओगे, तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे आप लग सकते हैं काफी। तो तीन इंपॉर्टेंट पोस्ट है इसके लिए, LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके बाद में DEO है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद में असिस्टेंट है यानी जो आप किसी भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रह सकते हो, जैसे पोर्टल सर्विस असिस्टेंट में आप रह सकते हो। तो काफी सारे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है इसके अंदर CHL के अंदर, तो आप फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म निकल चुके हैं, मैं बता देता हूं अभी कि फॉर्म की डेट क्या है। तो वापस से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो SSC की वैकेंसी आई हुई है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी आई हुई है, CHSL इसको बोलते हैं हम। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्ट हुए आपकी 6/11/2020 यानी 6 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और ये जो फॉर्म है आपके वो 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे। 15 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, 10 प्लस 2 आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट्स गए हुए हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, मिनिमम 18 होना चाहिए आपका। पोस्ट कौन कौन सी है, LDC है, जूनियर असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट है, उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो ये काफी सारी पोस्ट है इसके अंदर। अब टोटल पोस्ट कितनी है ये अभी जो SSC डिपार्टमेंट है पहले शो नहीं करता है, बाद में बताता है कि भाई इतनी पोस्ट है। तो आप अगर अनुमान लगाओ तो करीब 3-4 हज़ार के आसपास पोस्ट होती है, और हर साल ये वैकेंसी निकलती है। SSC का कैलेंडर फिक्स होता है, CGL जो होती है आपकी कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल, उसके अलावा आपकी 10+2 लेवल की जो ये LDC वगैरह की एग्जाम होती है, CHSL की जो होती है, इसके अलावा MTS की होती है, तो एक SSC का पूरा कैलेंडर होता है फिक्स, और सभी पोस्ट को ये वहां पर वैकेंसी को कंप्लीट करवाती है।
एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको प्रिपरेशन तो करनी होगी क्योंकि एसएससी अब बहुत ज्यादा टिपिकल हो चुका है। पहले इतना अच्छा पेपर नहीं आता था, लेकिन 2016 के बाद में एसएससी में जॉब लगना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वापस से मैं बता देता हूँ। पेपर पैटर्न फर्स्ट फेज जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फेज में क्या होगा, आपके रिटन पेपर होगा, तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके चार पार्ट होंगे 25-25 क्वेश्चन के, और वो आपके जो है 200 नंबर का पूरा पेपर होगा, यानी आपका जो 25 क्वेश्चन है वो 50 नंबर के होंगे, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर हो गया 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क टोटल आपके होंगे। तो यहाँ पर जो है 50 मार्क्स और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा रीजनिंग मेंटल एबिलिटी वगैरह आप बोल सकते हो, इसके अलावा जो आपका मैथ्स है वो आपका आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे आपके। इसके अलावा इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में ग्रामर और सारी चीज़ें आती है, और ग्रामर के अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जो इंग्लिश में इंक्लूड होते हैं, तो वो 25 क्वेश्चन उसके आएंगे। इसके अलावा आपके जो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरेंस जो है, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें करेंट जीके, आपके जनरल साइंस सब कुछ उसमें है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी चीज़ें हैं, तो जनरल अवेयरेंस आपकी जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये पहला फेज का पेपर है, रिटर्न पेपर है। अगर इसमें आप पास हो जाते हो तो आपको फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। डिस्क्रिप्टिव जो आपका होता है उसमें आपको ऐसे राइटिंग करानी होती है, ऐसे लिखना होता है, वो आपके रिटर्न होगा पूरा। उसके बाद में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो और हिंदी में भी, दोनों बोथ में कर सकते हो। आपसे जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी टाइपिंग का मीडियम क्या होगा, आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो या आप हिंदी में करना चाहते हो। तो ये तीन फेज होंगे, अगर ये तीन फेज आपने क्लियर कर लिए हैं तो आप एक शानदार जॉब लग जाओगे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओगे। तो फॉर्म निकल चुके हैं, मैं वापस से इन्फॉर्म कर देता हूँ, 6/11/2020 यानी 6 नवंबर से आपके फॉर्म चालू हो गए हैं। आप फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद में 15/12/2020 यानी 15 दिसंबर इसकी जो है लास्ट डेट है। तो जो भी इच्छुक हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर आपको बहुत जल्दी नौकरी पानी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज की अभी इतनी पढ़ाई नहीं चल रही है, अभी कॉलेज बंद है, तो ये अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वहीं पर राजस्थान प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है और बहुत बड़ा एक चांस भी है कि जिन्होंने अभी 18 प्लस किया है, जिन्होंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो या राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कोई से भी डिपार्टमेंट के या कोई से भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हो, उन सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। वो अपडेट ये है कि RSMSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर जो है, उन्होंने भी अभी एक वैकेंसी निकाली है, जो वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की। तो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की वैकेंसी आई है, जो काफ़ी सालों बाद में आई है। मैंने भी एक बार इसका पेपर दिया हुआ है, तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, BSc कर रहा था महाराजा कॉलेज से, उस टाइम पे मैंने इसका फॉर्म भरा था, तो मैंने इतनी तैयारी नहीं थी और मेरा फिजिकल भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैंने इसको किया नहीं उसके बाद में। लेकिन अभी आप कर सकते हो, बहुत सालों बाद में वैकेंसी आई है, बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट है, जिनमें ओनली क्वालिफिकेशन 10th पास है, 10वीं क्वालिफिकेशन है ओनली फॉरेस्ट गार्ड। 1041 पोस्ट हैं पूरे राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की, 1041 पोस्ट हैं। वहीं जो फॉरेस्टर है वो थोड़ा फॉरेस्ट गार्ड से थोड़ी बड़ी पोस्ट होती है फॉरेस्टर, और जो फॉरेस्टर है उसकी 87 पोस्ट हैं, और उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2। तो 10+2 जो एलिजिबिलिटी है वो है फॉरेस्टर की, और क्लास 10th ओनली 10th पास जो है वो है फॉरेस्ट गार्ड की, जिसकी वैकेंसी है 1041। तो टोटल करीब 1200 पोस्ट के समथिंग आपके निकली हुई हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके, मैं बता देता हूं, थोड़े लेट स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन, 8 दिसंबर को स्टार्ट होंगे इसके एप्लीकेशन। अभी सिर्फ वैकेंसी निकली हुई है, तो बहुत अच्छा चांस है अभी से आप इसकी तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि आप सभी अभी 12th पास करके आए हैं, तो बहुत अच्छा आपका शार्प माइंड होगा, बोर्ड परीक्षा देके आए हैं, तो आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। थोड़ा जीके वगैरह पढ़ लो, जनरल नॉलेज वगैरह पढ़ लो, ज़्यादा टिपिकल इसका पेपर होता नहीं है, तो आपको एक शानदार जॉब मिल जाएगी। तो 8/12/2020 से 7/1/2021 यानी 7 जनवरी तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ में इसके फॉर्म बिगन होंगे, उसके बाद में आप जनवरी तक इसके फॉर्म भर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है ये। अगर फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, पेपर ज़्यादा टिपिकल आता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें फिजिकल मांगते हैं, जो भी नॉर्मल फिजिकल होते हैं, थोड़ी बहुत लेंथ होनी चाहिए आपकी नॉर्मल, और नॉर्मल एक तरह से मतलब कि बेसिक, बिल्कुल बेसिक है।
पुलिस राजस्थान पुलिस से भी या कांस्टेबल से भी बेसिक बिल्कुल नॉर्मल आपके है, जैसे आपको बॉल थ्रो करनी है तो इतनी मीटर या इतनी किलोमीटर तक आपकी बॉल जानी चाहिए, नॉर्मल मतलब किलोमीटर तो क्या जाएगी, मतलब कितनी मीटर तक बॉल फेंकनी है, थ्रो करनी है, तो बहुत बेसिक इसमें जो है फिजिकल है। इसकी पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पैटर्न देख सकते हैं कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे फिजिकल का क्या क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फिजिकल के लिए, तो ये पूरा मैं बता दूंगा आपको, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, वहां से आप अपलोड कर लेना। तो ये दो वैकेंसीज हैं राजस्थान लेवल पर और इंडिया लेवल पर जो बहुत अभी निकली हुई हैं, इसके फॉर्म आप भर दें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज में अभी हैं, पढ़ रहे हैं, और हम उन्हीं को अपडेट करते हैं हमेशा, हर चीज़ को बताते हैं कि भाई ये चीज़ें निकली हुई हैं। तो आप सभी के लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब की अगर जो तैयारी करना चाहते हैं, जो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक बात होती है जैसे आप ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो इतना लोड नहीं होता है, अगर इतना लोड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आप एग्जाम टाइम पे दो मंथ भी पढ़ के आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ग्रेजुएशन की ज़्यादा परसेंटेज बनाने का इतना वो है नहीं कि आपको टॉप करना है, कॉलेज टॉप करना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, आप बन भी सकते हो, लेकिन अगर आपको जल्दी गवर्नमेंट जॉब पानी है तो इन वैकेंसीज के फॉर्म फिल कर दो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, लाइक इस वीडियो के अंदर, तो मैं फिर यहाँ पर जो है एक कंप्लीट पूरा डिटेल से बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपकी पूरी चीज़ें इसमें क्लियर कर दूंगा, क्या सिलेबस है, कब एग्जाम होगी, तो ये तब करूंगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी वैकेंसीज या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए आपको या कोई अपडेट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।